मैं इस समय होशियारपुर के भीलोवाल गांव में खड़ा हूं, तो यहां पर मैंने सोचा कि आपको इस गांव का दृश्य दिखा दूं। ये बरगद का पेड़ जो देख रहे हैं आप, ये देखिए बरगद का पेड़ कितना बड़ा है, संसार बड़ा है। और ये सामने जो इसको जोहड़ी बोलते हैं, तालाब भी बोलते हैं, और देखिए एक से बीच में जो डालियां हैं दूसरे पेड़ों की, या पेड़ झुक गए हैं इसके बीच में। टोबा भी बोलते हैं इसको। देखिए लकड़ियां वगैरह इसमें पड़ी हैं और हवा चल रही है, हवा के साथ साथ कैसे पानी लहलहा रहा है। ये पंजाब है दोस्तों, और पंजाब का ये एक गांव है, और ये गांव में इस समय आप खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं। और देखिए पानी कैसे हवा के साथ झूमता हुआ, जिस तरफ हवा का रुख है उसी तरफ जा रहा है, लेकिन पानी तो रुका ही हुआ है। और ये हरियाली और साथ में एक मंदिर है नज़दीक, और गांव के वो कुछ घर, और ये जगह गांव की जगह होगी, पंचायत की जगह होगी ये, और ये चबूतरा बना हुआ है जहाँ पे इतना विशाल दरख्त है। रात को इस पर विश्राम करने के लिए आते हैं, रात यहीं गुजारते हैं। बहुत अच्छी हवा चल रही है, अब फरवरी का महीना है, शिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, और पतझड़ में अभी जितने भी ये पेड़ हैं उन पर नए पत्ते आएंगे। यहाँ पर सभी लोग परदेश चले गए हैं, अपना देश छोड़कर परदेश चले गए हैं, जो कि कोई अमेरिका, कोई फ्रांस, घर तो यही है लेकिन वो लोग नहीं है जिन्हें यहाँ होना चाहिए था। रोड लगी है, चलो चले कहीं बर्फों में चले। ये जो सुंदर पोखर देख के, जो तालाब देख के, जो छप्पड़ देख के मेरे को अच्छा लगा, तो जो पेड़ का दरख्त देख कर तो सोचा कि मैं आपको दिखा ही देता हूँ ये सुंदरता पंजाब की, ये हरियाली पंजाब की। वो पंजाब के नौजवान अब कहीं दिखाई नहीं देते, शायद वो लौट के आएंगे। ये पेड़ भी, ये बरगद भी इंतजार कर रहा है कि वो लौट के आएंगे कभी ना कभी, तो हमारा देश भी उन देशों से आगे निकलेगा कभी ना कभी। तो ये पंजाब का गांव है जहाँ पर ये पशु, ये जो फार्मिंग के जितने भी हल वगैरह होते हैं इनके, और देखिए सामने ये सरसों के फूल, और ये बालन है जहाँ पे ये
जो बूटा जो होता है डेक बोलते हैं इसको, डेक के पेड़ हैं ये, और ये सरसों के फूल, और ये गांव की गलियां, सुनसान गलियां, घर खाली हो चुके हैं सब। ये भिलोवाल गांव, ये कालिया गांव, ये इनकी जठेरों की, जो हमारे पंजाब में जठेरे होते हैं तो उनकी ये समाधियां वगैरह या स्थान बने हुए हैं। देखिए आगे आगे चलता रहूँगा। और ये भांग जो है इस समय आपको देखने को मिलेगी, शिवरात्रि का दिन आ रहे हैं तो ये, और ये किसी ने सफेदे लगाए हैं जहाँ पे, और ये कनक फरवरी का महीना है तो अभी कनक जितनी बड़ी हो चुकी है, ये मार्च में ये पूरी होगी और अप्रैल में ये कट जाएगी। दूर तक देख रहे हैं आप लोग हरियाली, कहीं समय मिलता तो आपको कुछ ना कुछ दिखा देता हूँ। सोचता हूँ कि चलो हमने जो भी कुछ देखा आप तक पहुँचे, क्योंकि हम भी ऐसा जो खूबसूरत नज़ारा देखना पसंद करते हैं, तब जब कभी हमें कोई ऐसी खूबसूरत वादियाँ या कुछ ऐसा मैसेज मिलता तो हम देखते हैं। आप भी देखें और ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था पंजाब का एक गांव होशियारपुर कस्बे चबेवाल के पास भिलोवाल। धन्यवाद दोस्तों।